वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल एन एंड आरुष अग्रवाल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इजी ट्रिक स्क्वायर रूट की और स्क्वायर की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर रूट की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर। तो जो ट्रिक मैं आपको स्क्वायर रूट की बताने जा रही हूँ उसमें खाली परफेक्ट स्क्वायर रूट का ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको 3 डिजिट्स का बता रही हूँ, उसके बाद 4 डिजिट्स का। सो पहले हम नंबर लिखते हैं 576। सो इसमें वंस के लिए वंस पेयर वंस डिजिट निकालने के लिए दो का पेयर बनता है, हमने बना दिए दो का पेयर। सो अब टेंस के लिए बनेगा वन। तो अब है वंस डिजिट कौन सी है, 6। तो पहले हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर 1, ऐसी 10 तक लिख लेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे स्क्वायर कहाँ लाई कर रहा है, 6 कहाँ लाई कर रहा है। एक तो 4 4 4 16, तो एक ये हो गया और एक 6 6 36। सो ये दो हो गए, एक दोनों का क्या 4 और 6। सो जो वंस डिजिट होगी वो 4 होगी या 6 होगी। और अब हमने जैसे 4 निकाल लिया था तो अब हमें दूसरा नंबर निकालना है, तो उसके आप इजी पे इन दोनों का सम हमेशा होता है 10। अगर पहली निकल गई तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी। तो अब हम निकालते हैं 10 फाइनल। 5 देखिए कहाँ कहाँ लाया कर, 1 और 4 के बीच में लाया करना है। अब 4 और 9 के बीच में लाया कर रहे हैं। सो जो हमारा 10th के लिए 10th डिजिट होगा वो या तो 2 होगा या तो 3 होगा। सो 10th प्लेस के लिए हम लेते हैं स्मॉल नोट, हम ले लेंगे 2। अब 2 के बाद क्या आता है 3। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो गया आपका 6। सो अब आप देखिए 5 क्या है, छोटा है या बड़ा है, छोटा है। सो हम स्मॉल नंबर ले लेंगे 4। सो हमारा क्या बन जाएगा 24। अगर यहाँ पे आपका होता 5, ये दोनों सेम डिजिट है तो होता 26। यहाँ पे अगर 2 होता, अगर जहाँ पे भी 5 ये वाला डिजिट ग्रेटर होगा तो बड़ा नंबर होगा, या दोनों सेम होंगे तो भी ग्रेटर नंबर होगा। अगर ये छोटा होगा तो स्मॉल नंबर। सो इसी टाइम मैं आपको एक और बताती हूँ। अब हम लेंगे 729। सो अब देखिए 9 कहाँ लाया कर रहे हैं, 3। सो अब हमें दूसरा तो अपने आप पता चल जाएगा 7। अब इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है 10। सो जो हमारा वंस प्लेस होगा वंस डिजिट होगा वो 3 होगा या 7, ठीक है। अब जो ये 7 है, अब चलिए अब हम निकालते हैं 10th प्लेस। अब देखिए 7 कहाँ लाया करेगा, 1 और 4 के बीच में नहीं कर रहा, 4 और 9 के बीच में कर रहा। सो जो हमारा 10th डिजिट होगा वो 2 होगा या 3 होगा। सो मैंने बताया था कि स्मॉलर नंबर होगा, सो क्या होगा 2। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। सो 2 3 6। अब देखिए 7 ग्रेटर है ना, सो कौन सा नंबर होगा 7। ये आपका निकल गया 27। और ये नहीं कि हमेशा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 डिजिट। तो अब हम करेंगे 4 डिजिट, तो इसमें हम बना देंगे फिर से 2 का पेयर, ये 1 के हो गया ये 10 के हो गया। अब हम देखेंगे 6 कहाँ कहाँ लाए करते हैं, तो एक तो 4, तो अब हम क्या करें प्लस की 10 आ जाए 8 6, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 10। अब हम देखेंगे जो ये 12 है वो किस किस के बीच में लाया करेगा, 1 और 4 के बीच में नहीं, 4 और 9 के नहीं, अब 9 और 16 के बीच में 12 लाया करेगा। तो जो हमारा 10th डिजिट होगा वो या तो 3 होगा या तो 4 होगा। सो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है 3, सो हम ले लेंगे 3। अब 3 के बाद क्या आता है 4, सो 4 3 12। सो ये दोनों क्या है बराबर डिजिट है, मीन्स इक्वल है ये,
तो कौन सा होगा बड़ा नंबर 36। सो हमारा स्क्वायर रूट निकल गया कितना है 36। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्क्वायर। तो अब जो मैं आपको स्क्वायर बताने जा रही हूँ वो खाली 5 डिजिट में ही यूज होगा। जैसे देखिए 25 है, तो ये क्या है वंस डिजिट कौन सी है 5। तो ये ट्रिक खाली जहाँ पे वंस डिजिट में 5 होगी उसी में ही यूज होगी। सब ये देखिए 5, अब 5 का डबल कीजिए 5 चार 25। सो अब हम लिख देंगे 25। सो अब 2 है, सो बड़ा नंबर कौन सा होगा 3। इसके बाद क्या आता है 3। सो 3 2 6। तो इस 25 का स्क्वायर कितना निकल गया 625। अब नेक्स्ट डिजिट का निकालते हैं, अब हम निकालते हैं 35 का। सो 35 का कैसे होगा, फिर से 5 5 25। अब 3 का बड़ा नंबर 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 3 12। सो इसका भी आ, तो अब 675 का देखिए, अब 5 5 25। अब 7 का बड़ा क्या है 8, 8 7 56। इसका भी आपका स्क्वायर निकल। अब मैं आपको 65 का बता देती हूँ, अब 5 5 25। अब 6 का बड़ा क्या होगा 7, सो 7 6 42। इसका भी आपका स्क्वायर निकल। Thank you for watching, to like and subscribe.